देखिए, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन हो रही है और उसमें फैसल सिद्दीकी, जिनको आई होल्ड इन द हाईएस्ट एस्टीम, सच अ फाइन माइंड, फैंटास्टिक क्लैरिटी ऑफ माइंड, मैं उनसे इतफाक नहीं कर रहा और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में मैं शब्बर से एग्री कर रहा हूँ, हालांकि टैक्स रेवेन्यू पे तो समझ में आती थी। एंड आई विल टेल यू फैसल, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखें, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फंडामेंटल इशू जो है वो है इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल डोमेन बाय द मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में जिसकी कोई स्कीम नहीं, गुंजाइश नहीं है। 100% दुरुस्त बात है। पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए, ये तो पीपल मच बिगर देन फैसल सिद्दीकी इन असद उमर हैव सेड दिस स्टार्टिंग फ्रॉम कायदे आजम। आप स्टाफ कॉलेज जाएं तो अभी भी वहां कायदे आजम की उस स्पीच का एक्सेप्ट लिखा हुआ है। आप पाकिस्तान आर्मी चीफ, किसी आर्मी चीफ से पूछ लें तो वो यही कहेगा कि फौज का सियासत में रोल नहीं हो सकता। सवाल ये है कि ये सब बोलने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाने के बावजूद, ये आज तक हो रहा है। चलें, अब 2023 और 22 की डिबेट हम अलग से कर लेंगे, 2021 तक का तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने पब्लिकली कह दिया ना कि हम सियासत के अंदर इन्वॉल्व होते थे। जनरल बाजवा ने ओपनली कहा कि हम पिछले साल तक तो होते थे, अब हम न्यूट्रल हैं। अब वो कितने न्यूट्रल हैं या नहीं है वो आवाम उसका फैसला कर रही है। सो सवाल ये है कि क्या एक अच्छी इंटेलेक्चुअल क्रिटिक और अच्छी लीगल आर्ग्यूमेंट से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरी नाकिस राय में जो फैज अहमद फैज कर गए हैं, जो अहमद फराज कर गए हैं, जो बहुत बड़े बड़े वकला कर गए हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा बड़ा कोई हथियार नहीं है, तो इससे तो मामला हल नहीं होगा। हाँ, आवाम की जहन साजी जरूर हो जाएगी, सोच पे असरअंदाज जरूर हो जाएंगे, और जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उस वोट पे भी उसका असर पड़ जाएगा, लेकिन जिस बुनियादी मसले की आप बात करें वो मसला नहीं खत्म होता। तो फिर दो ही रास्ते नजर आते हैं, अगर सब इत्तफाक करें, कायदे आजम से लेकर आर्मी चीफ तक इत्तफाक कर रहे हैं कि फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, तो हम कौन है उस बात से डिसएग्री करने वाले। सवाल यह है कि फिर रास्ते क्या बच जाते हैं। दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी है जहां लोग बंदूक उठाएंगे और बंदूक उठा के मुकाबला करेंगे और सिविल फोर्सेज जो है रेवोल्यूशन के जरिए जो है वो मुल्क के ऊपर एक अपनी मर्जी का निजाम नाफिज कर देंगे। लेकिन वही कौम जो बार 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 दिखाती है कि जब भी उसको मौका दिया जाता है अपनी डेमोक्रेटिक राइट को एक्सप्रेस करने का, तो वो बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ और अच्छे जहन के साथ इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं। लेकिन वही पाकिस्तानी कौम जो है वो बंदूकों के सामने खड़े होकर गोलियां खाने को तैयार नहीं है। सो वो रास्ता इस वक्त हमें नजर नहीं आता है। उस पर भी डिबेट है कि क्या वो अच्छा रास्ता है भी या नहीं है, उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स है। मेरे ख्याल के अंदर तो ज्यादातर इस किस्म की जो रेवोल्यूशन हुई है उससे नुकसान ज्यादा हुआ है, रेयर एक्सेप्शन हैं जहां रेवोल्यूशन से फायदे हुए, ऐसे हैं रेवोल्यूशन जिससे बेहतरी आई है। वैसे भी अगर आप उस रेवोल्यूशनरी मोड के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब इलेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और ड्यू प्रोसेस तो सब खत्म हो गया, तो फिर तो जिसके हाथ में बंदूक है। अब ये 92% एथनिक हान चाइना तो है नहीं कि जहां पे बंदूक के जोर पे एक ही पार्टी जो है हुकूमत कर ले और वो कौम को एक्सेप्टेबल भी हो, बिकॉज 92% एक ही एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं, यहां पे मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले हैं और कोई भी एक ग्रुप, चाहे कोई भी ग्रुप हो, उसकी हेजमनी जो है वो आवाम को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो दूसरा रास्ता फिर क्या निकलता है? दूसरा रास्ता ये निकलता है कि एक तरफ आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी डिफैक्टो पावर इज इमेंस, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अपनी डिफैक्टो पावर कभी अपने इनिशिएटिव के ऊपर, कभी जिस तरह शब्बर कह रहे हैं कि हमारे जैसे सियासतदानों की इन्विटेशन के ऊपर वो इस्तेमाल करता है, तो उसका तोड़ तो फिर फैसल यही है ना कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हम स्ट्रेंथन करें। तो अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथन होती है, अगर आपका पार्लियामानी निजाम स्ट्रेंथन होता है, अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होती है, तो उससे आप वो हदफ हासिल करते हैं जो आप, मैं और ये सारे शायद क्राउड में बैठे हुए तकरीबन सब लोग हासिल करना चाहते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ डिबेट नहीं है, ये उसी बड़े हदफ को हासिल करने के लिए ये जरिया है। देखिए, मैं जरा क्विकली इस पर कॉमेंट कर दूं कि बंगाली साहब, मैंने खुद कहा था कि 18th अमेंडमेंट का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, उनको ये नहीं कह रहा 18th अमेंडमेंट रोल बैक करने की, लेकिन हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा ये इनकम्प्लीट है स्टेप, और जब तक हम अगला स्टेप नहीं लेते, और मेरी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ये है, हमें एक आईनी तरमीम लानी चाहिए, और मेरे ख्याल में पोलिटिकल कंसेंसस क्रिएट किया जा सकता है कि अभी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास एक जनरल गाइडलाइंस है, जिस तरीके से नेशनल फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, 60 दिन या 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराना ही कराना है,
तोड़ देते हैं उसको भी, लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो होती है. सो वी विल हैव टू बाइंड द गवर्नमेंट्स के आपने लोकल गवर्नमेंट डालना है. और इसी से कनेक्टेड पॉइंट है जो मैं, उन्होंने सिक्योरिटी की एग्जाम्पल दी, मैंने शुरू में क्या एग्जाम्पल दी थी, पानी पीने की. जब आपके शहरी को अपनी जो उसका हक है, उसकी जो जरूरत है, वो पूरी होती हुई नजर आएगी, तो उसका फिर सिस्टम के ऊपर एतबार होगा, फिर उसका वफाक के ऊपर और रियासत के ऊपर एतबार होगा. वीगो डाले से रियासत पे एतबार नहीं पैदा किया जा सकता. आप अगर करना चाहते हैं कि रियासत मजबूत हो, तो आपको अवाम को उनकी जरूरियात पूरी करनी होंगी, और उसके लिए ताकत जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद से निकाल के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको ले जानी पड़ेगी, बशमूल कराची. सिर्फ कराची नहीं, बशमूल कराची. देखिए, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन हो रही है और उसमें फैसल सिद्दीकी, जिनको आई होल्ड इन द हाईएस्ट एस्टीम, सच अ फाइन माइंड, फैंटास्टिक क्लैरिटी ऑफ माइंड, मैं उनसे इतफाक नहीं कर रहा और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में मैं शब्बर से एग्री कर रहा हूँ. हालांकि टैक्स रेवेन्यू पे तो समझ में आती थी. एंड आई विल टेल यू फैसल, मैं ये क्यों कह रहा हूँ. देखें, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फंडामेंटल इशू जो है वो है इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल डोमेन बाय द मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में जिसकी कोई स्कीम नहीं, गुंजाइश नहीं है. 100% दुरुस्त बात है. पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए. ये तो पीपल मच बिगर देन फैसल सिद्दीकी इन असद उमर हैव सेड दिस स्टार्टिंग फ्रॉम कायदे आजम. आप स्टाफ कॉलेज जाएं तो अभी भी वहां कायदे आजम की उस स्पीच का एक्सेप्ट लिखा हुआ है. आप पाकिस्तान आर्मी चीफ, किसी आर्मी चीफ से पूछ लें तो वो यही कहेगा कि फौज का सियासत में रोल नहीं हो सकता. सवाल ये है कि ये सब बोलने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाने के बावजूद, ये आज तक हो रहा है. चलें, अब 2023 और 22 की डिबेट हम अलग से कर लेंगे. 2021 तक का तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने पब्लिकली कह दिया ना कि हम सियासत के अंदर इन्वॉल्व होते थे. जनरल बाजवा ने ओपनली कहा कि हम पिछले साल तक होते थे, अब हम न्यूट्रल हैं. अब कितने न्यूट्रल हैं या नहीं है वो आवाम उसका फैसला कर रही है. सो सवाल ये है कि क्या एक अच्छी इंटेलेक्चुअल क्रिटिक और अच्छी लीगल आर्ग्यूमेंट से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता. मेरी नाकिस राय में जो फैज अहमद फैज कर गए हैं, जो अहमद फराज कर गए हैं, जो बहुत बड़े बड़े वकला कर गए हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा बड़ा कोई हथियार नहीं है. तो इससे तो मामला हल नहीं होगा. हाँ, अवाम की जहन साजी जरूर हो जाएगी, सोच पे असरअंदाज जरूर हो जाएंगे, और जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उस वोट पे भी उसका असर पड़ जाएगा. लेकिन जिस बुनियादी मसले की आप बात करें, वो मसला नहीं खत्म होता. तो फिर दो ही रास्ते नजर आते हैं. अगर सब इत्तफाक करें, कायदे आजम से लेकर आर्मी चीफ तक इत्तफाक कर रहे हैं कि फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, तो हम कौन है उस बात से डिसएग्री करने वाले. सवाल यह है कि फिर रास्ते क्या बच जाते हैं. दो ही रास्ते बचते हैं. या तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी है जहां लोग बंदूक उठाएंगे और बंदूक उठा के मुकाबला करेंगे, और सिविल फोर्सेस जो है रेवोल्यूशन के जरिए जो है वो मुल्क के ऊपर एक अपनी मर्जी का निजाम नाफिज कर देंगे. लेकिन वही कौम जो बार 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 दिखाती है कि जब भी उसको मौका दिया जाता है अपनी डेमोक्रेटिक राइट को एक्सप्रेस करने का, तो वो बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ और अच्छे जहन के साथ इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं. लेकिन वही पाकिस्तानी कौम जो है वो बंदूकों के सामने खड़े होकर गोलियां खाने को तैयार नहीं है. सो वो रास्ता इस वक्त हमें नजर नहीं आता. उस पर भी डिबेट है कि क्या वो अच्छा रास्ता है भी या नहीं है. उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स है. मेरे ख्याल के अंदर तो ज्यादातर इस किस्म की जो रेवोल्यूशन हुई है उससे नुकसान ज्यादा हुआ है. रेयर एक्सेप्शन हैं जहां रेवोल्यूशन से फायदे हुए. ऐसे हैं रेवोल्यूशन जिससे बेहतरी आई है.